हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह है सोनालिका MM18 और यह सोनालिका का सबसे स्मॉलेस्ट ट्रैक्टर है। और जैसे कि आप देखोगे इसका स्मॉलेस्ट व्हील बेस आता है और यह पीछे से भी सबसे स्मॉलेस्ट है। ये देखो आप, जैसे कि यहाँ देख रहे हो बहुत ही छोटा सा ये ट्रैक्टर है। अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो आपको यहाँ से बड़ी वाली क्रोम की आपको बैजिंग मिल जाती है। आगे आपको कुछ ऐसा लुक मिल जाता है जहाँ पर आपको दो हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। और जैसे कि आप देखोगे तो आगे ही आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, तो मतलब ये उठाओ और बैटरी निकालो, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे काम है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा स्मॉल टायर मिलता है, जैसे कि वो देखोगे वो ये तीनों एक्चुअली एक ही ट्रैक्टर है, पर टायर आपको आगे इसकी जो साइज है उसमें आपको फर्क मिलेगा। अगर साइड लुक की बात करें तो वैसे इसमें आपको ब्लू कलर मिल जाता है। यहाँ आपको MM18 की बैजिंग मिल जाती है और सोनालिका का जो स्टिकर है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और दिखने में ये एक्चुअली काफ़ी छोटा लगता है और इसका जो पीछे का जो साइजिंग है, ट्रैक विथ है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो आप बाग बगीचे में इसमें आराम से आप चला सकते हो। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 834 cc का 800 cc का समथिंग अराउंड इंजन मिल जाता है, जो कि 18 bhp और 54 Nm का टॉर्क निकालता है। ये देखो वन सिलेंडर इसका डीजल इंजन आता है और इसका जो फ्यूल का टैंक है वो यहाँ से आप फ्यूल भी भर सकते हो। और ये एक्चुअली डीजल है तो आपको यहाँ से डीजल डालना होगा। अगर आपको बोनेट खोलना है इसका तो आप यहाँ से इसको ऐसा करके ये पूरा खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ देख रहे हो इसमें आपको बैटरी मिल जाती है और ये एयर फिल्टर है और ये रेडिएटर, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको बैटरी निकालनी है तो ये आप दो बोल्ट खोलोगे और पूरी बैटरी आप बाहर निकाल सकते हो। बंद कीजिए इसको और ऐसे वापस बंद ही हो जाता है और एक्चुअली लॉक है। आप इसको ऐसे आगे करके आप इसको खोल सकते हो और ये ऑटो लॉक है तो बंद भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर इसके टायर साइज की बात करें तो आगे आपको 12 इंच का टायर मिल जाता है जैसे कि यहाँ लिखा है, और पीछे आपको 18 इंच का टायर मिल जाता है। और इसकी अगर विड्थ देखोगे ना तो मतलब छोटी है, दिखाता है कि ये मतलब ट्रैक्टर बाग के लिए, मतलब बड़े बड़े खेतरों के लिए नहीं बना है। अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरे गेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हो ये है पूरा जो स्पीड का गेज है, ये गियर सिस्टम का है मतलब गियर पोजीशन है, और ये ऑयल टेम्परेचर है, ये ऑयल प्रेशर है, और ये फ्यूल का है। ये एक्चुअली यहाँ इंडिया में नहीं आता, जो एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर वहाँ पे ये इसमें काम करता है, यहाँ ऐसे ही दिया गया है, तो मतलब इट्स ओके। और ये जो है वो हैजार्ड लैंप है और जो एक्चुअली साइड इंडिकेटर है। इसमें आपको पावर स्टेयरिंग नहीं मिलता और यहाँ पर आपको सोनालिका की बैजिंग मिलती है। एक्चुअली इसमें पावर स्टेयरिंग की नीड भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, तो इसमें इतना वेट तो होना ही चाहिए। यहाँ की बात करें तो इसमें आपको ये जो हैजार्ड लैंप है वो, इसके बटन, ये जो इंडिकेटर है और जो हेडलाइट के बटन है और स्टार्ट स्टॉप जो इग्निशन का है वो मिल जाता है, और कोई बहुत बटन नहीं। ये आपको ब्रेक हो गया, ये एक्सेलेटर हो गया और ये जो पार्किंग ब्रेक है वो हो गया। इसमें आपको चार गियर मिल जाते हैं, मतलब एक रिवर्स, तीन, और ये जो हाई लो है वो, तो मतलब ऐसे आप गिन सकते हो। और ये जो पीछे का जो हाइड्रोलिक्स होता है उसको ऊपर नीचे करने का है। और यहाँ आपको PTO के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको 540 और 540E का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। दो PTO आता है और ये न्यूट्रल है, तो आप तीन मत समझना, ये 540 है और ये 540E, और यहाँ पे आप करोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मैं इसकी सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ, मतलब चढ़ के बैठता हूँ तब मैं आपको बता पाऊंगा, तो वैसे आसानी है, चढ़ने में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप यू भी देखोगे ना तो आपको पूरा दिखता है, और जो सीट का कंफर्ट है वो भी सही है, मतलब इसमें ब्लैक लेदर आता है, तो थोड़ा जो जब धूप होगी तो आप मतलब जलेंगे थोड़ा बहुत, पर इट्स ओके, सही सारे में यही आता है, तो या ऐसी इसका सीट कंफर्ट है। अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको 3,15,000 में समथिंग अराउंड आपको ऑन रोड आ जाएगा, तो या ये प्राइस है। और सारे ट्रैक्टरों में देखें तो इसमें आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी लेते हो, तो या ऐसी सारी इसकी प्राइसिंग है। अगर सोनालिका पर्सनल ब्रांड की बात करें तो प्रॉपर इंडियन ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया ये सेल भी करती है, तो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, हम इस पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। और जो बिल्ड क्वालिटी और जो मटेरियल क्वालिटी है वो एक्चुअली काफ़ी सही है, मतलब पुअर क्वालिटी ये लोग यूज़ नहीं करते, तो या ये सारी चीज़ें। और ओवरऑल एक अच्छा है, अगर आपको बाग बगीचे में खेती करनी है तो एक सही ट्रैक्टर है। इसमें आपको 18 bhp और जो PTOs है उसमें आपको 12 bhp, मतलब 12.9 समथिंग को आप 13 bhp उसको बोल सकते हैं, इतना आपको मिल जाता है। आप वैसे देख सकते हो कि बहुत ही मतलब छोटा सा है, तो आप बड़े खेतों में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, पर
एज अ स्मॉल स्मॉल आप बार्गेनिंग करते हो, स्मॉल आप गार्डनिंग करते हो, तो इसमें आपका अच्छे से चल जाएगा। और ये वन सिलेंडर डीजल इंजन है, तो यार ऐसी सारी चीज़ें इस 18 mm के बारे में। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये जो आपको पीछे का जो ट्रॉली का है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, तो आप ये भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो इस ट्रैक्टर को बारे में तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। मैं इसका जो डिटेल है पूरे पूरे जो शोरूम का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।